Hello friends, welcome to Reno's Englishpedia. Today we are going to do the poem A Thing of Beauty, written by John Keats from the book Flamingo. Okay, so before we start the competency-based questions, let's have a quick look at the poem. The poem A Thing of Beauty has been written by John Keats. Right? Uh, is this poem ka jo background hai, that is based on a Greek mythology of Endymion. He was a shepherd who lived on Mount Latmus. <laughs> एंड ही डियरली लव द मून गॉडेस सिंथिया अब ये जो पोएम है एंडीमियन ये एक लॉन्ग नरेटिव पोएम है जो फोर बुक्स कवर कर रही है एंड इट इज़ अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द गॉडेस एंड लवर इस पोएम में एलिगरी का यूज़ किया गया है द स्टोरी इज अबाउट एंडीमियनस पर्सेट ऑफ सिंथिया विच इज एन एलेगरी फॉर मैन स्वेस्ट ऑफ आइडियल ब्यूटी और इस पोएम का थीम जो है दैट इज़ वेरी सिंपल दैट नेचर इज़ एन एंडलेस ट्रेजर ट्रोव ऑफ ब्यूटी एंड इट गिव्स अस परपेचुअल सोर्स ऑफ जॉय इट्स अ परपेचुअल सोर्स ऑफ जॉय इस पोएम का जो मैसेज है वो यही है कि जो थिंग ऑफ ब्यूटी होता है इज़ इट इज़ अ जॉय फॉर एवर उसकी जो ब्यूटी है हर सोच के साथ वो ब्यूटिफुल थिंग की जो ब्यूटी है वो इंक्रीज करेगी वो कभी भी नथिंगनेस में पास नहीं होगी वो कभी भी वैक्यूम में नहीं जाएगी और हमारी जो धरती है हमारा जो अर्थ है इट इज़ फुल ऑफ इन्यूमरेबल ब्यूटिफुल ऑब्जेक्ट्स मेड बाई नेचर रेप्लीट का मतलब होता है कम्प्लीटली फिल्ड टू द ब्रिम अगर इस पोएम का जॉनर देखें तो इट बिलोंग्स टू द रोमेंटिक जॉनर इसकी जो राइम स्कीम है दैट इज़ ए बी बी एंड जो सेटिंग है वो कंट्री साइड की सेटिंग है वे ट्रीज आर देयर रिवर्स शेफर्स एंड शीप इस पोएम में मैंशन है और पोइट बात करता है कि वंडर का केपेबिलिटी ऑफ यू नो इट इट कैन ईजिली कैप्टिवेटर्स और हमारे आस पास के जो दुख दर्द हैं उनको वो ख़त्म कर सकता है बेसिकली फर्स्ट आंसर में जो पोएट है इट इज़ टॉकिंग अबाउट वॉट द ब्यूटिफुल थिंग डज फॉर अस कैसे वो हमें एक बाबर क्वाइट देता है हमें हेल्थ देता है हमें एक नींद देता है जिस जो पूरे अच्छे सपनों से भरपूर होती है हमें क्वाइट ब्रीदिंग देता है फिर सेकेंड शानजा में वो हमें बताते हैं पोइट कि कैसे पूरे वर्ल्ड में बुरी बातें हैं लोगों में मीनस है लोगों में नोबल वर्चूज नहीं है Uh, हर कोई उदास है ग्लूमी है जो हमारे आसपास का माहौल है वो बड़ा तंग दिल है बट इन सब के बावजूद मतलब अगर सिर्फ ये उदासी भरा माहौल हो इंसान के पास तो वो निराश हो जाता है बट ये चीज़ों के बावजूद हम निराश नहीं होते हैं दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द थिंग्स ऑफ ब्यूटी विच आर फाउंड नेचर फिर नेक्स्ट पैराग्राफ्स में वो ब्यूटिफुल थिंग्स को डिस्क्राइब करते हैं जिसमें ट्रीज आ जाते हैं फिर वो बताते हैं कि ये ट्रीज ब्यूटीफुल क्यों है बिकॉज दे प्रोवाइड शेड टू द सिंपल शीप सिंपल शीप इज़ अ रेफरेंस टू जॉन कीट्स बिलीफ इन जीजस क्राइस्ट ही इज़ अ डीपली रिलीजियस पोइट ऑल्सो फिर वो बताते हैं कि मतलब और किन चीज़ों में ब्यूटी मिलती है सन हो गया मून हो गए स्टार्स हो गए फिर वो डैफोडिल्स हो गए फिर आपको जो अचानक से फॉरेस्ट में चलते चलते आपको पूरा एक फील्ड मिल जाता है मस्क रोज ब्लूम्स का जो एक छोटा सा यू you नो know, पौधे अपने लिए एक शांत सा एक ठंडा सा केव बना लेते हैं जो गर्मियों के सीजन में बड़ा हमें सोलेस देता है अब इन नेचुरल ब्यूटीफुल थिंग्स के अलावा द पोइट आल्सो फाइंड्स द ब्यूटी इन द डेथ ऑफ मजेस्टिक पीपल वो बोलते हैं उनकी जो कहानियाँ हैं उनके जो टेल्स ऑफ हीरोइज्म है दे टू आर ब्यूटिफुल थिंग्स लास्ट में वो बताता है कि ये जो ब्यूटिफुल थिंग्स हैं दे आर इमोटल ये हमें कहाँ से मिल रही हैं फ्रॉम द ब्रिंक ऑफ हेवन द एज ऑफ हेवन एंड दे विल नेवर एवर डाई उनका जो उनकी जो क्वालिटी है दैट इज अनडाइंग क्वालिटी अभी फिलहाल के लिए वो चीज़ हमारे आंखों से ओझल हो सकती है बट हम उसकी ब्यूटी से कभी अलग नहीं हो सकते ओके सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इफ़ यू वर गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू शेयर योर परसेप्शन ऑफ ब्यूटी वॉट वुड यू से एक्सप्लेन तो हमारे लिए ब्यूटी क्या है हमें वो पर्सनल अपना परसेप्शन बनाना है सो अकॉर्डिंग टू मी ब्यूटी इज़ अ रेडियंट हारमनी दैट टचेज़ माई सोल रेडियंट हारमनी मतलब रेडियंट मतलब वेरी ब्राइट एंड हारमनी मतलब अ यूनिटी ऑफ ऑल थिंग्स और ये जो हारमनी है ये मेरे दिल को छूती है और ये चीज़ वी कैन ओनली फाइंड इट इन नेचर वी कैन फाइंड इट इन द लाफ्टर ऑफ पीपल वी लव वी कैन फाइंड इट इन एक्ट ऑफ काइंडनेस ब्यूटी मुझे कैसे हेल्प करती है इट अपलिफ्ट माई स्पिरिट इट ब्रिंग्स मी जॉय एंड इट गिवस मी अस ऑफ पीस विच कैन विच ट्रांसेंड्स वर्ड्स ट्रांसेंस वर्ड्स मतलब वर्ड्स के वर्ड्स को यूज करके हम इस सेंस ऑफ पीस सेंस ऑफ जॉय को डिस्क्राइब नहीं कर सकते इट इज़ फार बियॉन्ड द केपेबिलिटी ऑफ वर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन ब्यूटी इज बेस्ट लेफ्ट अनडिफाइंड सपोर्ट योर पोजिशन ऑन दिस स्टेटमेंट विद योर राशनेल कपल्ड विद आइडियाज़ इन द पोईम ब्यूटी इज़ बेस्ट लेफ्ट अनडिफाइंड मतलब ब्यूटी को कभी डिफाइन करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए ब्यूटी की अपनी ही मेरिट है इट्स अ सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस हर बंदे का एक्सपीरियंस जो होगा वो यूनिक होगा कोई भी किसी के लिए भी ब्यूटी का सेम डेफिनेशन नहीं हो सकता है हर किसी के लिए ब्यूटी का एक अलग मीनिंग है एक अलग डिस्क्रिप्शन है यू uh, नो you know, uh, मैंने uh, अपने क्लास के बच्चों को कहानी बताई थी कि हर बच्चे को अपनी मदर में द मोस्ट ब्यूटिफुल वुमेन इन द वर्ल्ड नज़र आती है कोई भी बच्चा अपनी मदर को यू नो अगली नहीं कहेगा मदर मे भी वेरी सिंपल वेरी प्लेन बट द लव इन हर आईज द लव फॉर द चाइल्ड ट्रांसेंड्स ऑल यू नो जो हमारे नॉर्मल डेफिनेशन ऑफ ब्यूटी है वो प्यार उसको ट्रांसेंड करता है तो हर एक के लिए जो ब्यूटी का मीनिंग है वो सब्जेक्टिव है यूनिक है अब पोयम में कीट्स क्या कर रहा है ही इज़ एम्फोसाइजिंग द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ़ ब्यूटी वो हमें बता रहा है कि इतनी बुराइयाँ हैं हमारे आस पास इतनी उदासी है इतना ग्लूमीनेस है बट इन स्पाइट ऑफ दैट द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ ब्यूटी कैन पुट आर हार्ट आर सोल्स टू रेस्ट हमें शांति मिलती है पीस मिलता है हमारी हेल्थ अच्छी हो जाती है अगर हम ब्यूटी को कन्फाइन करेंगे एक रिजिड डेफिनेशन तो हम उसकी पोटेंशियल को लिमिट करने की कोशिश करेंगे हम उसकी वास्टनेस उसके इम्पैक्ट को बहुत ज़्यादा लिमिट कर देंगे और ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा नेक्स्ट कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन इज आर्टिस्ट सिंगर्स एंड म्यूजिशंस हैव अ डिफरेंट परसेप्शन ऑफ ब्यूटी एज कम्पेयर टू पीपल हु आर इन अदर प्रोफेशंस कमेंट अब हमें पता है आर्टिस्ट सिंगर्स एंड म्यूजिशंस जो होते हैं दे हैव अ वेरी हाइटेंड सेंस ऑफ ब्यूटी वो ब्यूटी से बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं ब्यूटी इज़ अ पार्ट ऑफ द प्रोफेशन वो जितना नेचर से यू नो सेंसिटिव होंगे ब्यूटी को सेंसिटिव होंगे तो उनका जो क्रिएटिव एक्सप्रेशन है वो उतना ब्यूटीफुल बनता जाएगा वो बड़ी आसानी से इस ब्यूटी को कैप्चर करके अपने क्रिएटिविटी के थ्रू उसको रिले कर सकते हैं कन्वे कर सकते हैं उनका जो प्रोफेशन है वो रिक्वायर करता है अ डीप अंडरस्टैंडिंग एंड अप्रिसिएशन ऑफ द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ब्यूटी ब्यूटी को अंडरस्टैंड भी करना है और अप्रिसिएट भी करना है अप्रिशिएट भी करना है दैट इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोफेशन और इसीलिए यू नो उनका जो परसेप्शन ऑफ ब्यूटी होता है वो मोर प्रोफाउंड होता है फाइनर न्यूएंसेस के साथ होता है वेन एज कम्पेयर टू अदर प्रोफेशन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज रैशनलाइज बाई द मेटाफर एंड इनलेस फाउंटेन ऑफ इमोटिल ड्रिंक इन हिस पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वी मस्ट फर्स्ट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ मेटाफर मेटाफर इज एन एम्प्लाइड कंपेरिजन जो सिमिली होता है वो डायरेक्ट कम्पेरिजन होता है जिसमें हम कहते हैं ये उस चीज़ जैसा है शी इज़ एज़ ब्यूटिफुल एज अ रोज़ बट मेटाफर में इम्प्लाइड कम्पेरिजन में डायरेक्ट कम्पेरिज़न नहीं होगा हम ये नहीं बोलेंगे शी इज़ एज़ ब्यूटिफुल एज़ अ रोज़ हम सिंपली बोलेंगे शी इज़ अ रोज़ इन माई गार्डन विच एम्प्लाइज द सेम थिंग शी जो रोज़ मतलब शी इज़ जस्ट लाइक द रोज़ शी इज़ जस्ट एज़ ब्यूटिफुल एज़ द रोज़ बट हमने यहाँ पे एज़ सो एंड लाइक को यूज़ नहीं किया अब क्वेश्चन ये है कि क्यों ये लाइन को मेटाफर uh, कहा गया है क्यों इस लाइन को ने मेटाफर की तरह यूज़ किया गया है तो इट इज़ टू ड्रॉ एन इम्प्लाइड कंपैरिजन कि जो थिंग्स ऑफ ब्यूटी होते हैं दे आर जस्ट लाइक द इमोटल ड्रिंक ऑफ द गॉड्स ये जो ड्रिंक है, like है ये कंटिन्यूसली फ्लो करता है ये कभी भी ख़त्म नहीं होता है सो दैट इज़ द फर्स्ट कंपेरिजन दैट इज़ बिंग एक्सप्लेन टू अस थ्रू दिस मेटाफर सेकेंड थिंग वो बोल रहे हैं कि जो एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोटैलिटी है वो लाइफ के लिए एलेक्ज़ीर है एलेक्र मतलब अमृत उसी तरह से जो ब्यूटिफुल थिंग्स होते हैं ये कॉन्स्टेंट या पेरिनियल पेरिनियल मीन्स नेवर एंडिंग जॉय प्रोवाइड करते हैं एवर लास्टिंग ब्लिस प्रोवाइड करते हैं एवर लास्टिंग मोटिवेशन प्रोवाइड करते हैं ये कभी भी ख़त्म नहीं होंगे दे फॉर यू नो इट इज़ कम्प्लीटली रैशनलाइज्ड

तो वो इस तो वो एम्फोसाइज करना चाह रहे हैं कि वो कितने इम्पोर्टेंट थे अपनी लाइफ में वो लोगों पे कितना पावर वेल्ड करते थे इज़ दिस स्टेटमेंट ट्रू और इज़ दिस स्टेटमेंट फॉल्स एंड द राइट आंसर इज इट इज़ कम्प्लीटली फॉल्स ये लोग माइटी हैं नॉट बिकॉज ऑफ द पावर दैट दे एग्जॉटिड ऑन द पीपल बट दे आर माइटी बिकॉज दे हैव अचीव्ड ग्रेटनेस इन देयर लाइफ टाइम अचीव ग्रेटनेस मतलब उन्होंने अपनी लाइफ टाइम में ऐसी बातें की हैं ऐसा काम किया है जिससे वो अपनी एक नाम शहरत बना कर गए हैं उन्होंने सोसाइटी में बहुत कॉन्ट्रीब्यूशनस किए हैं बहुत सिग्निफिकेंट तरीके से कॉन्ट्रीब्यूशन किए हैं उन्होंने अपने फील्ड्स में बहुत ग्रेट थिंग्स uh, को अचीव किया है इट इज़ नॉट अबाउट द पावर दैट दे यू नो दे एग्जॉटेड ऑन द पीपल वेल्डेड ऑन द पीपल जब पोएट उनको माइटी कहता है तो वो उनकी इम्पोर्टेंस को एम्फोसाइज़ कर रहा है उनके पॉजिटिव इम्पैक्ट उनके पॉजिटिव इन्फ्लुएंस को जो उनका वर्ल्ड के ऊपर था उस इन्फ्लुएंस को एम्फोसाइज़ करने के लिए उनको माइटी कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू कंप्लीट द सेंटेंस अप्रोप्रिएटली द एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोटल ड्रिंक इज़ एन एप्ट एन अनालोजी फॉर द टेल्स ऑफ द माइटी डेड बिकॉज हम एंडस फाउंटेन ऑफ इमोटल ड्रिंक को एक माइटी डेड के टेल्स के साथ एक एनालॉजी में बना रहे हैं तो ये क्यों एप्ट है क्यों अप्रोप्रिएट है तो इसका आंसर है जैसे एक फ़ाउंटेन होता है वो कॉन्सटेंटली पानी यू you नो know, उसमें से पानी बहता है तो उसी तरह से जो माइटी डेड की जो कहानियाँ हैं टेल्स हैं वो हमारे को एंडलेस इंस्पिरेशन प्रोवाइड करते हैं एंडलेस विजडम प्रोवाइड करते हैं हमारे को मतलब वी द लिविंग जो टर्म है इमोटल ड्रिंक ये सजेस्ट करता है कि ये जो कहानियाँ हैं ये नेवर एंडिंग है इनके पास इतनी पावर है कि वो हमारे सोल को नरिश कर सके हमारी सोल को सस्टेन कर सके उसी तरह से जिस तरह से वाटर हमारी बॉडी को नरिश और सस्टेन करता है एंड दे द एनोलॉजी इज़ एप ओके नेक्स्ट क्वेश्चन द यूज़ ऑफ द वर्ड ब्रिंक इन द एक्सट्रैक्ट सजेस्ट दैट द इमोर्टैलिटी दैट इज बिंग पोर्ट ऑन टू अस इज ऑन द वर्ड्स ऑफ ओवरफ्लोइंग दिस क्रिएट्स अ पावरफुल इमेज ऑफ डैश द राइट आंसर इज एबंडेंस जब चीज़ कोई ओवरफ्लो हो रही है उसका मतलब उसमें कमी नहीं है वो एबंडेंट है वो बहुत ज़्यादा है राइट right? uh, ये जो इमेज है ये बड़ी पावरफुल है ये हमारे को बताती है कि जो डूम्स है उसमें भी ब्यूटी है ग्रैंडियर है इट इज़ सो ग्रेट दैट इट इज़ ओवरफ्लोइंग फॉर हेवन ये जो अबंडस है ये इस आइडिया को री इन्फोर्स करता है कि ब्यूटी एंड ग्रैंडियर ऑफ़ द डूम्स जो है वो एंडलेस है उसमें इनफाइनाइट सप्लाई है वो कभी भी ख़त्म नहीं होगी नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज कीट्स पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी अपील रिचली टू द सेंसेस stimulating the reader's inner sight as well as the sense of touch and smell. Write your answer in about one twenty to one fifty words. अब यहाँ पे appeal richly to the senses की जगह पे sensory details word भी use किया जा सकता है but the answer will remain the same. तो आप इसको कैसे लिखोगे आप उसको simply बताओगे ये जो कीट्स की डिस्क्रिप्शन है ये हमारे को यू नो डीपर परसेप्शन ऑफ द इमेजिनरी वर्ल्ड देती है जिसके कारण हम इसको एक लाइफ लाइक अपियरेंस में कन्वर्ट कर पाते हैं ये रीडर की इनर साइड को स्टिम्यूलेट करती है यू नो एक्टिवेट करती है एंड नॉट ओनली द इनर साइड बट ऑल्सो आर सेंस ऑफ टच एंड स्मेल हम वो फूलों को यू नो स्मेल कर सकते हैं हम वो कूल cool शेड को फील कर सकते हैं हम ट्रेज ऑफ़ द यू नो ट्रीज़ को महसूस कर सकते हैं तो ये हमारे सेंसेस को स्टिमुलेट करता है अब जस्टिफिकेशन क्या है कीट ने एक पावरफुल वर्ल्ड इस्टेबलिश किया है अपनी इमेजरी के साथ और वर्ड प्ले के साथ वेन ही इज़ टॉकिंग अबाउट द कूलिंग कंफर्ट ऑफ द बावर वेन ही इज़ टॉकिंग अबाउट द डांसिंग डेफोडिल्स इन इट्स ग्रीन एनवाइंस द यू नो द दैबलिंग स्ट्रीम द मिड फॉरेस्ट ब्रेक विद द मस्क रोज ब्लूम्स ये सारी चीज़ें हमारी इमेजिनेशन को हमारे सेंस ऑफ हयरिंग टच एंड स्मेल को एक्टिवेट करती हैं इवन द स्टोरीज ऑफ द माइटी एंड द डूम दैट बिफॉल्व दीज माइटी पीपल ये हमारे इंटलेक्ट को अपील करती है हमारे इमोशंस को अफेक्ट करती है द इमेज ऑफ़ द एंडल्स फाउंटेन ये एक एल्यूजन हो सकता है टू द फाउंटेन ऑफ यूथ बट इसका भी एक इफ़ेक्ट रीडर पे होता है बड़ा सब्लीमेट बटा बड़ा सटल इफेक्ट होता है रीडर पे तो इसीलिए लिए कीट्स के जो पोइटिक डिस्क्रिप्शन हैं ये हमारी सेंसेस को अपील करते हैं और हमारे को इतना डिलाइट करते हैं द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव ऑफन हर्ड द फ्रेज ब्यूटी इज स्किन डीप of ऑफ दैट वी ऑफ़न सी पीपल आइडियलाइजिंग एक्टर्स एंड सेलिब्रिटीज़ are गुड लुकिंग एंड अट्रैक्टिव यू हैव अ कन्वर्जेशन रिगार्डिंग दिस विद योर फ्रेंड हु बिलीव दैट फिजिकल ब्यूटी डिफाइंस अ पर्सन रैट डाउन दैट कॉन्वर्जेसन अब आपने क्या बोलना है लोगों के परसेप्शन है कि जो ब्यूटी है वो स्किन डीप है हमें इंसान की आत्मा को देखनी चाहिए बट इस बिलीव के साथ साथ हम ऑफन देखते हैं कि जो लोग हैं वो एक्टर्स को सेलिब्रिटीज़ को आइडियलाइज करते हैं एस्पेशली इफ दे आर गुड लुकिंग एंड अट्रैक्टिव अब इस पॉइंट को दिमाग में रखते हुए आपने एक ऐसे दोस्त के साथ कॉन्वर्स कॉन्वर्जेसन करना है जिसके लिए फ़िज़िकल uh, ब्यूटी जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है फिज़िकल ब्यूटी जो है उसके लिए वो पर्सन की हर यू uh, नो you know, अच्छाई को प्रूफ करता है तो उसके साथ आप किस तरह का कन्वर्जेशन करोगे दैट इज द क्वेश्चन सो इन दिस कॉन्वर्जेशन यू हैव टू रिमेंबर कि आपके फ्रेंड बिलीव करता है कि फिजिकल ब्यूटी उस पर्सन को डिफाइन करता है चाहे उसने पढ़ा हो दैट ब्यूटी इज स्किन डीप बट स्टिल ही बिलीव इट ही होल्ड्स इट थ्रू कि जो uh, लोग हैं वो सेलिब्रिटीज या गुड लुकिंग एक्टर्स को आइडियलाइज करते हैं उनको फॉलो करते हैं नाउ यू एज अ पर्सन आर सपोज टू यू नो प्रजेंट अ डिफरेंट परस्पेक्टिव आपने उनको बताना है कि फिज़िकल ब्यूटी जो है वो इनिशियली तो किसी का अटेंशन कैच कर सकती है बट उससे हम उस बंदे का उस पर्सन का रियल कैरेक्टर नहीं डिफाइन कर सकते क्योंकि जो ट्रू ब्यूटी होती है इट गोज़ बियॉन्ड एक्सटर्नल अपियरेंस इंसान का जो सोल होता है उसकी जो यू नो एक्शन होते हैं कर्मा होता है

वो बोलेगा कि जो ब्यूटीफुल पीपल होते हैं उनको लाइफ में एडवांटेजेस uh, तो बड़ी आसानी से मिलते हैं उनके ज़्यादा चांसेस होते हैं टू सक्सीड इन द करियर्स टू बी एडमायर्ड बाय पीपल तो आपने अगेन उसको काउंटर एक्ट करना है ये बताकर कि सरफेस पे तो हमें लगता है कि वो बड़े सक्सेसफुल हैं एडमायर्ड हैं बट वॉट हैपन्स विद पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे टाइम गुजरेगा जो फिज़िकल ब्यूटी है वो फेड होती जाएगी बट जो इनर क्वालिटीज़ हैं जैसे काइंडनेस हो गया इंटेलिजेंस हो गया एम्पथी हो गया लव फॉर ह्यूमैनिटी हो गया ये जो क्वालिटीज़ हैं ये लास्टिंग कनेक्शंस बनाते हैं जो फ़िज़िकल ब्यूटी पे डिपेंडेंट नहीं है ये क्वालिटीज़ के कारण इंसान एडमायरेबल बनता है थ्रू आउट वंस लाइफ द फ्रेंड विल एक्नोलिज के हाँ चलो ठीक है मैंने कभी इस तरह से नहीं यू नो सोचा था बट देन ही विल क्वेश्चन तो फिर ऐसा क्यों है कि वाई डू पीपल आइडलाइज सेलेब्रिटीज़ एंड ब्यूटिफुल पीपल तो आपने और समझाना होगा कि इसके बड़े रीजन्स होते हैं फिजिकल एट्रेक्टिवनेस एक पार्ट प्ले करती है बट हमारे लिए ज़रूरी है टू तो सेपरेट द पर्सन दे आर प्रोजेक्टिंग थ्रू द मीडिया एंड द एक्चुअल पर्सन दैट दे रियली आर हम उनके टैलेंट को एडमायर कर रहे हैं हम उनके अचीवमेंट को एडमायर कर रहे हैं हम उन्होंने जो इम्पैक्ट किया है अपने रिस्पेक्टिव फील्ड में उस चीज़ को एडमायर कर रहे हैं हम उनकी फ़िज़िकल ब्यूटी तो सिर्फ यू uh, नो you know, हम उसकी फिज़िकल एक्सटर्नल ब्यूटी पे फोकस नहीं कर रहे हैं एंड देन द फ्रेंड विल से कि येस न्यू नाव आई रियलाइज़ कि जो ब्यूटिफुल पर्सन होता है उसकी ब्यूटी स्किन डीप नहीं होती है इट इज़ फ्राम दिस इन अ हार्ट And then you will agree, and that is how the conversation will end. So, your duty is to talk about the actual beauty, and your friend will be talking about external beauty, and then you will be explaining your viewpoints. Okay. Uh, you are a blogger who loves to record travel stories. You recently visited a picturesque location and you were enamored by its beauty. Pen down the post for your blog giving vivid descriptions of the natural beauty of this place. Supplement your writing with कीट्स ideas about beauty. तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है आपने अपना कोई ट्रैवल स्टोरी को बताना है यूज करना है टू डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ दैट प्लेस यूजिंग कीट्स डिस्क्रिप्शन ऑफ ब्यूटी कीट ने ब्यूटी को कीट्स ने ब्यूटी को कैसे डिस्क्राइब किया है उस डिस्क्रिप्शन को यूज़ करते हुए आपने अपने टूर विजिटेड प्लेस को डिस्क्राइब करना है अब आपने किस बारे में बात करना है आप बताओगे कि जब आप उस जगह पे गए तो आपको वो पिक्चरस लोकेशन जो थी वो ऐसे लगा दैट इट वाज राइट आउट ऑफ अ टेल। उसके जो इंचान्ट लैंडस्केप्स थे उसका यू नो इट शोड यू द मैग्नीफन्स द शर मैग्निफिकेशन ऑफ नेचर जो नेचर के वाइब्रेंट ह्यूज थे जो उसकी डेलिकेट डिटेल थी, दिस 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 यू नो मेड मेड द आइडिया ऑफ ब्यूटी इको इन योर माइंड दैट अ थिंग ऑफ ब्यूटी बिकम्स अ जॉय एवर, जो रोलिंग हिल्स थे जो लश ग्रीन कार्पेट्स थे विच स्ट्रेच एज फार एज द आई कुड सी, आपने याद होगा जब टेंथ में चैप्टर पढ़ा था यू uh, नो you know, uh, टी फ्रॉम असम उसमें भी ब्यूटी ऑफ द माउंटेन्स ऑफ द टी गार्डन्स डिस्क्राइब्ड है तो अगर आप इस तरह की कोई ब्यूटी को यूज करके किच्स की डिस्क्रिप्शन को यूज करके अपनी जगह को डिस्क्राइब करते हो देन यू विल गेट फुल फाइव मार्क्स यू कैन टॉक अबाउट द मेडोज विद द वाइल्ड फ्लावर्स डांसिंग इन द सन उनके जो पेटल्स थे कितने ब्यूटिफुल कलर्स के थे एंड दे व इन हारमोनी विद द नेचर जेंटल ब्रीज चल रहा था जो ट्रीज थे वर अफोर्डिंग शेड राइट वर टायर्ड एंड ट्रीज शेड. द लाइट ब्रीज मेड इट अ वेरी प्लेजेंट एक्सपीरियंस वहां पे जो रिवर बह रही थी इट वॉज प्रिस्टाइन उसके वाटर्स क्रिस्टल क्लियर थे एंड देवर रिफ्लेक्टिंग द ब्लू स्काई अब किलेर बर्ड एज यूज होता है बट इफ यू कैन रिमेम्बर इट अदरवाइज सिंपली से ब्लू स्काई अब जो बर्ड सॉन्ग है उसकी मेलेडी उसमें यू you नो know, एक कंप्लीमेंट करके एक ब्यूटिफुल सिम्फनी uh, बन गई थी एंड ऑल दीज थिंग्स अपलिफ्टेड योर स्पिरिट जैसे जैसे आप माउंटेन पे ऊपर जाते गए द व्यू दैट द माउंटेन्स अफोर्डेड वॉज रियली ब्रेथ टेकिंग एक वाटरफॉल था इट वॉज कैस्केडिंग लाइक अलस्टियल वेव उसके स्पार्कलिंग ड्रॉपलेट्स जो थे वो सनलाइट में ग्लिटर हो रहे थे अगेन यू नो ट्रीज की स्विंग ब्रीज का ब्रीज चलना जो बर्ड सॉन्ग होता है दे ऑल क्रिएटेड अ सिम्फनी ऑफ देन के जो बिलीव था कि ब्यूटी कुड बी फाउंड इवन इन द डार्केस्ट कॉर्नर्स ऑफ लाइफ उसी तरह से यू नो वो उसकी उन वर्ड्स की सच्चाइयों के अपने आसपास देख रहा था क्योंकि ये जो माउंटेन था इट वॉज अ इट वॉज रग्ड क्लिप्स जो रफ क्लिप्स होती हैं क्लिप्स दे आर वेरी डेंजरस उसमें ना आपको uh, मतलब उनकी एक स्टार्क ब्यूटी होती है एक रगड ब्यूटी होती है जो केव्स होते हैं वो बड़े अन uh, इनवाइटिंग से नजर आते हैं बट उनका अपियरेंस आपको अट्रैक्ट करता है तो इन ये सब चीज़ें यू you नो know, इन सब चीज़ों के आसपास आपको ब्यूटी नज़र आती है इन सब चीजों में यू डिस्कवर अ हिडन गार्डन जिसमें बहुत सुंदर ब्लॉसम्स फ्लावर्स हों उनकी खुशबू उनका फ्रेगरेंस जो है वो विंड के साथ मिल गया हो तो इट क्रिएटेड अ सेंसरी एक्सपीरियंस फॉर यू तो आप इस तरह से यू नो यूजिंग ऑल द फैसेट्स ऑफ़ नेचर कंबाइनिंग इट लाइकली प्लेसेस Uh, जितना आसपास भी आपके नेगेटिविटी हो बट उसमें भी आपको कोई ब्यूटीफुल थिंग इंस्पायर करेगी तो ये सारी चीज़ों को यूज करके यू कैन डिस्क्राइब द प्लेस दैट यू आर राइटिंग इन योर ब्लॉग ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इमेजिन दैट जॉन कीट्स मीट्स सम वन हु इज फीलिंग सैड वॉट एडवाइस वुड ही गिव टू सच अ पर्सन स्टेट एनी वन फीचर ऑफ़ ब्यूटी फ्रॉम अ थिंग ऑफ ब्यूटी एंड रिलेट द एडवाइस टू इट तो वो क्या एडवाइस देगा हमने पोएम में से एक फीचर उठाना है और उस बंदे को जो बंदा बहुत सैड हो रहा है वो फीचर को यूज़ करना है उसको बता उसको समझाने के लिए तो अब यहाँ पे फीचर्स क्या हैं फर्स्ट इज़ ब्यूटी इज इमोटल ब्यूटी आपको हमेशा ब्यूटी मिल जाएगी नो no मैटर आप किस डे एंड एज में रह रहे हो किस सेंचुरी में रह रहे हो आप जिस मर्जी सेंचुरी में हो जिस मर्जी डे एंड एज में हो ब्यूटी आपको मिलेगी ही मिलेगी एंड दैट ऑलवेज गिव गिविंग उसकी जो ब्यूटी है उसकी जो लवलीनेस है वो ऑलवेज इंक्रीज होगी सो ऑलवेज इन्वेस्ट इन समथिंग दैट यू फाइंड ब्यूटिफुल एंड इट रिटर्न्स इन टर्म्स ऑफ जॉय जो ब्यूटीफुल थिंग्स में आप इन्वेस्ट करोगे तो जब भी आप उनको देखोगे तो आप इतने खुश हो जाओगे कि आपको हमेशा उस चीज से जॉय मिलता रहेगा तो इन्वेस्टमेंट किसी भी तरह का हो सकता है वेदर इट इज टाइम और मनी सपोज यू इन्वेस्ट योर टाइम इन द गार्डन तो जिंदगी भर के लिए एक ऐसा पैराडाइज क्रिएट हो जाएगा जिसको देखने से आपको हमेशा खुशी मिलेगी अगेन इट कैन बी बेनिफिशियल इफ़ यू आर ग्रोइंग वेजिटेबल्स टू इफ यू आर ग्रोइंग यू नो फ्रूट्स टू तो फिर ये गार्डन आपके लिए बेनिफिशियल भी हो जाएगा अलोंग विथ मेकिंग यू फील हैप्पी देन थर्ड एस्पेक्ट इज ब्यूटी कैन बी फाउंड इन मैनी थिंग्स नेचर में बहुत चीज़ें हैं जो हमें ब्यूटी ऑफर करती हैं यू नो गार्डन्स हो गए ग्रीन प्लेसेस हो गए ट्रीज हो गए ह्यूज ट्रीज स्मॉल फ्लार्स ये सारी चीज़ें यू नो दे ऑफर अस ब्यूटीफुल थिंग्स विच अगेन गिव अस पीस एंड जॉय एंड देन फाइनली ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर सो अगर हम ब्यूटी के साथ कनेक्ट करते हैं तो हम जिस मर्जी सिचुएशन में हो वी विल ऑलवेज बी हैप्पी सैडनेस विल नॉट अस वी विल ऑलवेज बी हैप्पी नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ डज द कंसेप्ट ऑफ अ बावर क्वाइट अलाइन विद कीट्स आइडिया That a thing of beauty becomes a timeless source of solace and inspiration. बावर क्वाइट का मतलब होता है एक शांत जगह अब ये शांत जगह किच्स के आइडिया के साथ कैसे रेजोनेट करता है कि जो थिंग ऑफ ब्यूटी है वो हमारे लिए टाइमलेस सोर्स ऑफ सोलेस यू नो शांति का एक जरिया है इंस्पिरेशन का एक जरिया है तो इसका आंसर है कि जब हम ब्यूटी को सिंबलाइज कर रहे हैं एज ए ट्रैंकुल एंड सिक्लूडेड मेंटल स्पेस तो इसीलिए लिए कीट यूज़ करते हैं टर्म बावर जो बावर टर्म है ये रिप्रेजेंट करता है एक पीसफुल रिट्रीट विच इज़ कम्प्लीटली सराउंडेड बाई नेचर इसका इम्प्लीकेशन है दैट वेन वी एनकाउंटर थिंग्स ऑफ ब्यूटी दे क्रिएट एन इंटरनल सेंचुरी विद इन द इंडिविजुअल हमारे अंदर एक ऐसी सेफ जगह क्रिएट करता है जहाँ पर हम रिफ्लेक्ट करेंगे इंट्रोस्पेक्ट करेंगे तो हमेशा हमें खुशियाँ मिलेंगी बावर क्वाइट एक मेटाफोरिकल रिफ्यूज है राइट right? डायरेक्टली नहीं बोला गया कि ये रिफ्यूज है इसको मेटाफर की तरह एक रिफ्यूज बताया गया है रिफ्यूज फॉर वॉट सरीन स्टेट ऑफ माइंड हमारे को वो बावर क्वाइट में जाके जो हमारा मन है वो शांत स्टेट में चला जाएगा जो ब्यूटी है वेदर नेचर की ब्यूटी है वेदर आर्ट की ब्यूटी है ये हमेशा सोलेस ऑफर करती है इंस्पिरेशन ऑफर करती है ट्रैंक्विलिटी ऑफर करती है और ये जो सोलेस इंस्पिरेशन, ट्रैंक्विलिटी है ये अनएंडिंग है ये कभी भी खत्म नहीं होगा इसीलिए जो बाबर क्वाइट है वो यू नो ब्यूटी के साथ ब्यूटी एज ए टाइमलेस सोर्स ऑफ जॉय इंस्पिरेशन के साथ कीट्स ने इसको अलाइन किया है एक जगह पे इकट्ठे किया है the next competency based question will be concerning an extract there are a few questions related to the same extract so we'll be doing those competency questions now so the extract is gains the hot season the mid forest break rich with the sprinkling of fair musk rose blooms and such too is the grandeur of the dooms we have imagined for the mighty dead all lovely tales that we have heard or read

एंड डेड का मतलब होता है हेल्पलेस तो ये दोनों ही चीजें ट्रू हैं एंड दे फॉर इट्स एन ऑक्जीमोरोन एंड ऑक्जीमोरोन इज अ लिटरी डिवाइस इसमें जो दो ऑपोजिट्स को एज अ फ्रेज यूज किया जाता है एंड बोथ द ऑपोजिट्स आर ट्रू दे डिस्क्राइब द सेम थिंग दे फॉर माइटी डेड इज एन ऑक्जीमोरोन सेकेंड क्वेश्चन फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच ऑफ दीज बेस्ट इंडिकेट्स फ्रेज मिड फॉरेस्ट ब्रेक मिड फॉरेस्ट ब्रेक को डिस्क्राइब करने के लिए इन चारों ऑप्शन में से बेस्ट ऑप्शन क्या है डज द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रेफर टू हिडन पॉन्ड टू अ मास ऑफ श्रब्स टू अ कैनपी ऑफ़ ट्रीज और टू अ स्पार्कलिंग स्ट्रीम तो हिडन पॉन्ड और स्पार्कलिंग स्ट्रीम तो हंड्रेड परसेंट नहीं है जो कैनपी ऑफ ट्रीज हैं वो अचानक से नहीं मिलेंगी वो दूर से हमें नज़र आ जाएंगी सो द राइट आंसर इज श्रब्स नेक्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट विच ऑफ दी स्प्रिंग जॉय टू ह्यूमन लाइफ शेडिड ट्रीज डिलइट फुल ड्रिंक्स फ्रेगरेंट फ्लार्स चेंजिंग सीजन एनचांटिंग यहाँ पे जो टू ऑप्शन है वो हंड्रेड परसेंट रॉन्ग है शेडीड ट्रीज हो सकता है फ्रेग्रेंट फ्लार्स हो सकता है चेंजिंग सीजनस हो सकता है एनचांटिंग स्टोरीज हो सकता है बट डिल्टफुल ड्रिंक्स नहीं हो सकता है तो उसके हिसाब से हमारा जो डी ऑप्शन है वो रॉन्ग हो जाता है बट द अदर ऑप्शन ए बी एंड सी उसमें कन्फ्यूजन डेवलप हो जाती है कि यहाँ पे तो ऑलमोस्ट सारे ही ऑप्शन हमें राइट right लग रहे हैं हाउ डू वी डिसाइड विच इज द राइट ऑप्शन अब ये कन्फ्यूजन क्यों हुआ है बिकॉज वी आर टेकिंग द पोएम इन इन इट्स एंटायरटी हमें पोएम के हिसाब से आंसर करना है और अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट जब एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होता है तो हमें सिर्फ एक्सट्रैक्ट को कंसिडर करना है तो उसके हिसाब से फ्रेग्रेंट फ्लावर्स एंड एंच स्टोरीज आर द ओनली टू थिंग्स इन द एक्सट्रैक्ट ना तो यहाँ पे शेडी ट्रीज हैं ना ही यहाँ पे यू नो चेंजिंग सीज़न्स की बात हो रही है तो फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ ऑप्शन गलत होगा द राइट ऑप्शन आर थ्री एंड फाइव सो द राइट आंसर इज बी ऑप्शन next question is complete the given sentence appropriately when the poet mentions an endless fountain of immortal drink he is referring to the answer is very clear the eternal joy that beautiful things give us or the everlasting joyful things that the uh, things of beauty bring to us the next question on the extract is

अब इस अंडरस्टैंडिंग के साथ अगर हम चारों ऑप्शन देखेंगे तो वी फाइंड दैट ए ऑप्शन ओनली वन कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट इज द राइट आंसर सी में कहा गया है बोथ कैन बी इन्फर्ड डी में कहा गया है नाइदर वन नॉर टू कैन बी इन्फर्ड तो सी और डी तो पूरे रॉन्ग हो जाते हैं अगेन बी ऑप्शन में बोला गया है ओनली टू कैन बी इन्फर्ड विच इज कम्पलीटली रॉन्ग so the right answer is option A where only one statement one can be inferred okay the next question is which of these best describes the tone of the poet in the given extract nostalgic generous passionate or contemplative nostalgic ka matlab hota hai आप past happiness को याद करते हो and you feel sad यहाँ पे poem में बिल्कुल भी कोई पुरानी बात को याद करके sadness नहीं feel हो रही है सो ए ऑप्शन गलत है जेनरस का मतलब होता है वे यू आर बेनोविलेंट अगेन देर इज नथिंग रिगार्डिंग बेनोविलेंस इन द इन द एक्सट्रैक्ट गिवन सो बी ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग अब सी पैशनेट हो सकता है या डी कॉन्टेम्पलेटिव हो सकता है यहाँ पे पैशन की बात नहीं हो रही है बल्कि वो सोच रहा है वो कॉन्टेम्पलेट कर रहा है वो पॉन्डर कर रहा है सो द राइट आंसर इज डी कॉन्टेम्पलेटिव Contemplative का मतलब होता है गहरी सोच में जाकर अपनी फीलिंग्स को बताना सो दैट इज कॉन्टेटिंग ओके अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं दे है ऑलरेडी उनको पूछने का तरीका चेंज हुआ है बट द आंसर इज द सेम तो मैंने आंसर्स नहीं लिखे हैं आई जस्ट डिस्कस द क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन मेंशन एनी टू थिंग्स विच कॉज पेन एंड सफरिंग तो ये मैं बता चुकी हूँ रिविजन में यू नो लैक ऑफ नोबल नेचर्स इल हेल्थ आप बीमार होते हो तो ये सारी चीज़ें जो हैं दे कॉज पेन एंड सफरिंग सेकेंड क्वेश्चन गिव रीजनस टू जस्टिफाई वाई द पोएट एसोसिएट्स ग्रैंडियर विद द माइटी डेड ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं जो माइटी डेड होते हैं उन्होंने अपनी लाइफ टाइम में बहुत ग्रैंड अचीवमेंट्स हासिल किए हैं और इसीलिए उनके मरने के बाद उनकी जो टेल्स हैं वो कोई भूलेगा नहीं वो हमेशा इंस्पायर करेंगे हमें एंड दैट इज़ वाई हम उनके डेथ के साथ ग्रैंडियर को एसोसिएट करते हैं थर्ड क्वेश्चन इज़ हाउ डू यू थिंक मैन वुड सफ़र इन द एबसेंस ऑफ ब्यूटी अगर ब्यूटीफुल थिंग्स नहीं होंगी हाउ विल वी बी इंस्पायर्ड अगर ब्यूटीफुल थिंग्स नहीं होंगी तो जो हमारे आसपास की बुराइयां हैं पेन है सफरिंग है उसको एलिविएट कैसे किया जाएगा मैन तो डिप्रेशन में चला जाएगा तो इसीलिए अगर ब्यूटीफुल थिंग्स नहीं होएंगी तो इंसान की जो सफरिंग है वो हज़ार गुना बढ़ जाएगी दे विल बी नो सोलेस इन अ पर्सनस लाइफ फोर्थ क्वेश्चन ब्यूटी इज़ बेस्ट लेफ्ट अनडिफाइंड सपोर्ट विद रेफरेंस टू द पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी ब्यूटी इज लिमिटलेस इट इज़ वास्ट इट के नॉट बी लिमिटेड टू एनी वन डेफिनेशन ब्यूटी इज सब्जेक्टिव हर इंसान के लिए ब्यूटी का अलग मतलब है तो इसी लिए ब्यूटी को डिफाइन करना ही नहीं चाहिए वी शुड ओनली एन्जॉय ब्यूटी नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट इमेज डस् की च्यूज टू डिस्क्राइब द बाउंडफुल बाउंड्री ऑफ द अर्थ तो वो बहुत सारे एक्सप्रेशंस ले रहा है यू नो एनेबल लास्टिंग सोर्स ऑफ जॉय द शेडी ट्रीज द मिड फॉरेस्ट ब्रेक ये सारी जो इमेज हैं दे आर डिस्क्राइबिंग द ब्यूटिफुल बाउंड्री ऑफ द अर्थ द कूलिंग कॉवर्थ ये मतलब पोए में जो जो रेफरेंस टू ब्यूटिफुल थिंग्स इन नेचर दिया है दे आर ऑल द ब्यूटिफुल बाउंड्री ऑफ द अर्थ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डू वी एक्सपीरियंस थिंग्स ऑफ ब्यूटी ओनली फॉर अ शॉर्ट मोमेंट और डू दे लीव अ लास्टिंग एक्सपीरियंस ऑन अस नो वी एक्सपीरियंस ब्यूटी मतलब चीज़ जो हम देख रहे हैं वो शॉर्ट पीरियड के लिए हो सकता है बट जो वो एक्सपीरियंस होता है वो एवर लास्टिंग होता है वी कैन नेवर फॉरट द जॉय वो जॉय जो है वो हर पल बढ़ता जाएगा इट विल क्रिएट अबावर क्वाइट फॉर अस इट विल गिव अस गुड हेल्थ

तो हम उस क्वाइट सेंचुरी में जाकर अपनी ब्यूटीफुल थिंग्स के साथ को रिलेट कर कर हम अपने दुख अपनी तकलीफों को भूल जाते हैं एंड इन दिस वे द ब्यूटीफुल थिंग्स प्रोवाइड शेल्टर एंड कंफर्ट टू अस नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट प्लेजर डज अ ब्यूटीफुल थिंग गिव अस आर ब्यूटीफुल थिंग्स वॉट ट्रेजरिंग सो ब्यूटिफुल थिंग्स के लिए वो हमें बता रहे हैं गिविंग गिविंग इट्स अस अ इट्स uh, गिविंग us a क्वाइट power a स्लीप फुल ऑफ स्लीप ड्रीम्स हेल्थ a क्वाइट breathing तो ये सारी चीज़ें ब्यूटीफुल थिंग्स हमारे को हमारे लिए करती हैं हमारे को एक सेंचुरी देती हैं एक पीसफुल प्लेस देती हैं एंड क्या ब्यूटीफुल थिंग्स को ट्रेजर करना चाहिए येस हंड्रेड परसेंट अगर ब्यूटिफुल थिंग्स को हम ट्रेजर नहीं करेंगे तो हमारी जो लाइफ है इट विल बी फिल्ड विद सैडनेस एंड डिप्रेशन राइट वी विल नॉट फाइंड सोलेस एनी वेयर सो ब्यूटिफुल थिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट इन ब्यूटिफुल थिंग्स विल ऑलवेज क्रिएट अ पीसफुल सेंचुरी फॉर अस नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी डू फॉर एस तो ये ऊपर वाले क्वेश्चन के साथ ही रेजोनेट कर रहा है वॉट इज द एंडलेस फाउंटेन एंड वॉट इज इट्स इफेक्ट द एबर लास्टिंग ब्यूटिफुल थिंग्स आर सॉरी द ब्यूटिफुल थिंग्स आर एन एवर लास्टिंग सोर्स ऑफ जॉय एंड दे हैव बीन कम्पेर्ड टू एन एंडलेस फाउंटेन और इसका इफेक्ट होता है हमारे हैस को इम मॉडल बना देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन इज अवर दिस इज वॉट जॉन की पोएम डू यू थिंक इन द प्रेन्ट ऑफ स्ट्रेस एंडलेंस

कैन लीड मैन टू एवर लास्टिंग हैप्पीनेस जब हम ब्यूटिफुल थिंग्स से सराउंडेड होंगे तो हम लोगों की नोबल नेचर्स की कमी के ऊपर पॉन्डर नहीं करेंगे जो हमारी लाइफ में दुख और तकलीफें हैं हम उनके ऊपर पॉन्डर नहीं करेंगे जब हम लोगों की बुराइयों पे पॉन्डर नहीं करेंगे तो हम उनसे अफेक्ट नहीं होंगे हम खुद बुरे नहीं बनेंगे अगर हम खुद बुरे नहीं बनेंगे तो हम हमेशा खुश रहेंगे so in this way you can discuss your answer next question according to kids nature has a positive sublimating effect on the minds of humans discuss so yes sublimating effect ka matlab hota hai shant karne wala effect तो nature हमेशा हमें शांत करता है हम जितने मर्जी टर्मोइल में हो जितने मर्जी दुखी हो जितने मर्जी परेशान हो एंशियस हो वरिड हों हम जब भी नेचर में का हिस्सा बनते हैं नेचर में जाते हैं जब हम शांति से स्काई के नीचे बैठते हैं वी ऑलवेज फाइंड जॉय सो येस नेचर हैज़ अ पॉजिटिव सब्लिमेटिंग इफेक्ट ऑन द माइंड लास्ट क्वेश्चन इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय I think दिस इज is repeated, so अगेन आई थिंक दिस क्वेश्चन इज रिपीटेड सो आई नॉट डिस्कस इट सो विद दिस आई होप दैट ये कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन और मेरे एक्सप्लेनेशन ने आपके मतलब आपको ज़्यादा चैप्टर समझने में और अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी में हेल्प किया होगा आई होप दैट यू विल बी एनकरेज टू शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स विद योर विद योर स्टूडेंट्स एंड इफ पॉसिबल ऑल्सो विद अदर टीचर्स एंड कलीग्स थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल एंड लाइकिंग द वीडियो Uh, thank you so much.